पिछले दिनों दर्दनाक खबर सामने आई। चीन की सीमा पर हमारे जवानों की शहादत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरे देश में चीन के खिलाफ आक्रोश का माहौल है। चीनी सामानों का बॉयकॉट किया जा रहा है। ऐसे में आप इस वीडियो के शीर्षक को जरूर पढ़कर चौंक गए होंगे कि आखिर गाजीपुर का चीन से कैसा कनेक्शन। तो चौंकिए मत, चीन से युद्ध छिड़ जाए और 1967 की तरह भारतीय सेना एक बार फिर उन्हें धूल चढ़ा दे, उससे पहले यह किस्सा सुन लीजिए। दरअसल गाजीपुर को चीन से जोड़ने वाली चीज थी अफीम। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, हम अफीम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। ब्रिटिश जमाने में गाजीपुर और पटना में अफीम का उत्पादन होता था। फिर यह अफीम कोलकाता, तब कलकत्ता के बंदरगाह से होते हुए चीन तक पहुंचती थी। मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने अपने लेख इन एन ओपियम फैक्ट्री में इस बात का जिक्र किया है कि कैसे गाजीपुर का अफीम पटना से ज्यादा अच्छा था। चीनियों को गाजीपुर का अफीम बहुत पसंद था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गाजीपुर ने चीनियों की अक्ल पर कैसे कब्जा किया होगा, तो आइए इसका किस्सा भी बताते हैं आपको। दरअसल गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री का सेटअप 1820 में किया गया था। उस समय देश में ब्रिटिश शासन था और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता था। तब ब्रिटेन और चीन में व्यापार संबंध थे, लेकिन चीन इस संबंध पर हावी था। अधिकतर चीजें ब्रिटेन आयात करता था, निर्यात कुछ खास नहीं कर पाता था। तब ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1780 में व्यापार में नारकोटिक्स के इस्तेमाल का आइडिया दिया। 10 साल में ही चीन की बड़ी आबादी नारकोटिक्स के नशे में फंसने लगी। चीन ने अफीम पर बैन लगा दिया, लेकिन गाजीपुर और पटना की फैक्ट्रियों की अफीम अवैध रूप से वहां पहुंचती रही। हालात ऐसे रहे कि चीन की 40 साल की उम्र तक की 80% आबादी अफीम की लत में गिरफ्त हो गई। चीन के तत्कालीन शासक एम्परर दाओ गांद के 3 बेटे अफीम की ओवरडोज से मर गए। फिर उसने इस मामले की जांच के लिए कमिश्नर नियुक्त किया। कमिश्नर ने लिखा कि अगर ऐसे ही चीन के लोग अफीम पीते रहे तो न हमारी सेना लड़ने लायक रहेगी, न ही हमारे पास पैसा बचेगा। कहते हैं कि उस समय चीन का सारा अफीम स्टॉक इकट्ठा किया गया। 500 लोगों ने लगातार 22 दिनों तक काम किया, तब उस स्टॉक को नष्ट किया जा सका। अब आप जान ही गए होंगे कि चीन की अक्ल पर गाजीपुर का कब्जा कैसा था। दरअसल वो गाजीपुर की अफीम थी जो चीन के माथे पर सवार हो चुकी थी। आप में से जो लोग इच्छुक हों वो अफीम युद्ध की कहानी पढ़ें। ये युद्ध अफीम को लेकर ब्रिटेन और चीन में हुआ था। अब आपने इसमें गाजीपुर का एंगल जब जान लिया है, तो कहीं हमारी तरह आप भी तो नहीं सोच रहे कि सारा खेल गाजीपुर के दिमाग के ऊपर था। आप जो सोच रहे हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें यह भी बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। साथ ही बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और गाजीपुर की ऐसी रोचक जानकारियों को जानें।